Hello everyone, welcome back to Om push Classes, a competition venture of Science Commerce Academy, Dharamshala. I am your chemistry educator Payal and today we are going to start with our next lecture of chemical bonding in which we are going to discuss about resonance, dipole moment and polarity. Okay, so let us just start with our first, lecture, uh, first slide, first topic we are going to start with the resonance structure. अब बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इतना तो हमें पता है कि जिस भी मॉलिक्यूल के बिहेवियर को हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं तो उसके लिए वी ड्रॉ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स और वो जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं दोज आर कॉल्ड आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है अब रेजोनेंस के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास रोटेशन होती है वो या तो पाईबॉन्ड की रोटेशन होगी जहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है उनकी मूवमेंट होती है या जहाँ पे चार्जेस होते हैं उनकी मूवमेंट होती है ठीक है तो चलो ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं वी हैव अ ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है ना ओजोन का स्ट्रक्चर तो एक साइड डबल बॉन्ड होता है अच्छा वो भी बनाने से पहले हम यही देख लेते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे किया जा सकता है आप कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ही कैसे बना सकते हो वो आप देखो ठीक है अब देखो वी हैव इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन अब ओजोन में वी नो दैट थ्री ऑक्सीजन आर देयर वन टू थ्री सबके सराउंडिंग में हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स आर देयर वी हैव एंड पहले सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना दो हमें पता है कि सबको क्या होना है स्टेबल होना है तो सबको क्या चाहिए सिंगल बॉन्ड तो चाहिए मतलब आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोशन में इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इधर भी इसको ज्वाइन कर दो अब कितने हो गए ये स्टेबल हो गया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देखो वी हैव एट इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा है नाइन इलेक्ट्रॉन तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या है किसे डोनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को ठीक है तो बेसिकली द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस वी हैव अ ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया वन टू थ्री फोर एंड यहाँ पे बॉन्ड वी हैव वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स ठीक है अब यहाँ पे जो बेटा आपके पास स्ट्रक्चर बना ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज योअर 121 पिकोमीटर ठीक है तो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है कि एक बार इस तरफ 121 पिकोमीटर आया एक बार इस तरफ क्या आया 148 पिकोमीटर आया अब हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाए तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड आ गया इस तरफ सिंगल बॉन्ड आ गया हमारे पास इस तरफ तो पाई बॉन्ड की क्या होगी यहाँ पे देखो शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे अब क्या है दिस साइड इज वन ट्वेंटी वन पीकोमीटर एंड दिस साइड इज ऑर वन फोर्टी एट तो ये जो हो रहा है हमारे पास पाई बॉन्ड इधर से उधर शफल हुआ हमारे पास दिस इज योर वर्ट ये क्या बन गए हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अब इसका हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की हेल्प से कि वी है हाँ ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है हमारे पास दोनों तरफ तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया अब क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है तो एवरेज बॉन्डलाइन जो दोनों तरफ देखने को मिलती है दैट इज योर वर्ट वन ट्वेंटी पी को मीटर की देखने को मिलती है तो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर दिस इज योर सेकेंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर थर्ड स्ट्रक्चर ठीक है तो इसी को हमने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है कि जो रेजोनेंस है जब भी हम किसी सिंगल लूइज स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उसकी सारी प्रॉपर्टीज तो मॉलिक्यूल के जो है बहुत से स्ट्रक्चर्स बनते हैं सेम एनर्जी के मतलब ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए दिस वेन सेकेंड इनके एनर्जीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ओके तो जो हमारे पास जो भी जहां पे बॉन्डिंग पेयर्स होंगे वो वहीं पे रहेंगे और जो स्ट्रक्चर्स मल्टीपल बना रहे नारू हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ठीक है तो ओ के लिए हमने क्या स्ट्रक्चर्स बनाए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बनाए ना वी है this is your hybrid structure, जो ज्यादा एक्यूरेटली हमें एक्यूरेसी बता रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ओ थ्री की क्योंकि ये थर्ड स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड कैन बी दिस साइड एंड इट कैन ऑल्सो बी दिस साइड ठीक है तो ये है हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास पोलारिटी ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं एक होते हैं पोलर दूसरे होते हैं नॉन पोलर कोविलेट बॉन्ड्स तो सबसे पहले हम नॉन पोलर कोविलेट बॉन्ड्स की बात करते हैं कि जब कोई भी आइटम कोविलेट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं जैसे सेम तरह के आइटम है वी हैव अ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया हमारे पास तो जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कहते हैं इक्वली अट्रैक्टेड होंगे दोनों तरफ से जो भी हमारे पास आटम्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या है हमारे पास एट दिस केस हमारे पास क्या है कोई भी पोल क्या है कल डेवलप नहीं होता है और उन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स अब देखो जितना इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन ने खींचा होगा उतना इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या है इसने खींचा है तो यहाँ पे कोई डाइपोल क्रिएट नहीं होगा कोई पोलर पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं मतलब इधर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं आएंगे तो इन्हें हम ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम बेसिक बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा हमारे पास ठीक है

लेता है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है नेगेटिव अब क्लोरीन ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं किया बस अपनी तरफ पुश किया है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट गेट्स योर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो जहां पे चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो उसे हम क्या बोलते हैं ये कैसा बॉन्ड बना हमारे पास दिस बॉन्ड इज योर पोलर बॉन्ड ठीके? तो यही हमने बोला इलेक्ट्रो नेगेटिविटीन इज हाई एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन प्लेयर पेयर इज डिस्प्लेस मोर टूवर्ड्सिट इज सिंपलाइज लाइक हाइड्रोजन आइटम पार्शल पॉजिटिव चार्ज सिंपलाइज लाइक दिस ओके एंड द बॉन्ड फॉर्म और जो कोविलेंट बॉन्ड वहां बना दैट इज कॉल्ड योर पोलर कोविलेंट बॉन्ड ओके ओके तो नॉन पोलर और पोलर में आई होप ये क्लियर हो गया होगा ओके okay. अब हमने बोला कि डायपोल मोमेंट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बेटा जब भी हमारे पास पोलारिटी आता है तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं दे आर आल्सो नोन एज डायपोल मॉलिक्यूल्स क्यों क्योंकि उनके अंदर क्या क्रिएट होता आता है डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मतलब बेसिकली अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट की तो डायपोल मोमेंट को जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन टू डी क्यू क्या है हमारे पास क्यू इज योर चार्ज एंड इज योर डिस्टेंस सेपरेशन क्यू इज योर वॉट डिस्टेंस सेपरेशन अब बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डायपोल क्रिएट हो रहा है हमारे पास ठीक है अब अगर डायपोल की भी बात हम यहाँ पे करें बेटा तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास देखो डाइपोल इज योर वॉट इट इज योर वैक्टर क्वांटिटी अगर वैक्टर क्वांटिटी है एक एग्जाम्पल लेते हैं वी हैव एच सी एल एक्सएल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी like डिफरेंस है पोलर है ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो जो नेगेटिव वाला है उसकी तरफ हम एरो को रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव वाले की तरफ टेल आती है तो टेल टूवर्ड्स पॉजिटिव है टूवर्ड्स आपका नेगेटिव और क्या है डायपोल डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्या है हमारे पास चार्ज इनटू कितनी डिस्टेंस सेपरेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड योर डाइपोल मोमेंट ठीक है तो ये यू क्या है हमारे पास दिस इज योर डाइपोल मोमेंट ओके okay. और जो यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की बेटा दैट इज योर डी जिसको हम किस से लिखते हैं डी से भी डिनोट करते हैं तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड है ना ओके okay. अब डायपोल मोमेंट की बेटा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डायपोल मोमेंट हमें क्या बताती है पुलारिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में में बताता बताता है है शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को पता करने में बताता है कि की शेप हमारे पास क्या है अगर जीरो डायपोल मतलब या सिमेट्रिकल होएगा स्ट्रक्चर अगर हमारे पास कुछ डायपोल मोमेंट आ रहा है तो बेंट होगा एंगुलर शेप कुछ भी हो सकता है इसमें हम पोलर बॉन्ड है ठीक है हमने बोला कि पोलर बॉन्ड तो है अब पोलर बॉन्ड एक चीज आपको शायद मैंने पहले भी बताई है कि कोई भी बॉन्ड हंड्रेड परसेंट कोवलेंट नहीं होता है ना ही कोई बॉन्ड हंड्रेड परसेंट आयोनिक होता है तो ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसमें कितना आयोनिक करेक्टर है वो भी हमें पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइपोल फिर हमें बताता है डिस्टिंग बिटवीन सिस एंड ट्रांस कि सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल में से किसका डाइपोल मोमेंट क्या है क्या नहीं उससे हमें पता चलता है और ये ऑर्थो पैरा और मैटर के बारे में बताता है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं डाइपोल मोमेंट को तो देखो क्वल टू जीरो और इट इज ग्रेटर देन जीरो तो बेटा जो कंपाउंड होगा हमारे पास दैट इज पोलर अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हमें बोला है कि बताओ वेदर योर सीओ टू इज योर पोलर या नॉन पोलर है तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अब मुझे पता है कि दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दिस दिस इज इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इधर क्या आएगा पार्शल पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मेरा जो डाइपोल क्रिएट होगा अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा तो हमने बोला हेड जाता है जिस तरफ हमारे पास क्या है नेगेटिव चार्ज है टेल जाता है टू पॉजिटिव चार्ज तो दिस इज हाउ डाइपोल इज क्रिएटेड अब देखो एक साइड जा, जा, तो जा, तो जा रहा है तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में डायपोल जा रहा है तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट जीरो जाएगा एंड इफ डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो तो कंपाउंड कैसा होगा कंपाउंड इज योर नॉन पोलर ठीक है इतना साके एक एग्जाम्पल और लेते हैं मान लो हमसे पूछा है कि वॉटर तो हमें स्ट्रक्चर तो आना चाहिए वॉटर का स्ट्रक्चर क्या होता है वी हैव दिस एंड पे आ गया लोन पेयर अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डायपोल इधर को जाएगा डायपोल इधर को जाएगा ये जो हमारे पास लोन पेयर है बेटा इनको भी हम ये बोलते हैं कि दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसलिए डायपोल इस तरफ जा रहा है अब देखो सारा डायपोल क्या जा रहा है एक तरह से सेम डायरेक्शन में जा रही है ठीक है तो कहीं ना कहीं इमेजिन कर लो क्योंकि फाइन एक जगह पे जाके क्या हो जाएंगे एडअप हो जाएंगे अगर ये एक जगह पे जाकर एडअप हो जाएंगे तो क्लियरली डायपोल मोमेंट क्या होगा ग्रेटर देन मोमेंट अगर ग्रेटर देन है तो कंपाउंड क्या होगा हमारे पास पोलर होगा ठीक है ओके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर वी हैव हमने क्या लिया वी हैव टेकन ठीक है डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन तो डी बाई लेंगे हम यूनिट uh, ओके, लेट्स क्रिएट ए वन मोर एग्जाम्पल पॉलीएटॉमिकली एग्जाम्पल ले रही हूं जैसे कि वी हैव इज योर वर्ट बी एफ थ्री तो बी एफ थ्री में क्या है मेरे पास बोरोन फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, अब

एग्जाम्पल वी है एन एच थ्री तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है देर इज अर ओवर नाइट्रोजन वन हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन वी नो दैट नाइट्रोजन इज मोर पोलर सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डायपोल इस तरफ क्रिएट होगा सेम यहां पर भी सेम यहां पर भी

ठीक है इधर लोन पे है एक साइड डायपोल इधर जा रहा है एक साइड डायपोल इधर जा रहा है बिकॉज फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डायपोल ज्यादा सेम डायरेक्शन में जा रहा है बट एक ऑपोजिट में भी जा रहा है तो यहां पे भी डायपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन जीरो बट इस केस में मान लो डायपोल मूवमेंट अगर एक एग्जाम्पल ले रही हूं एग्जैक्ट टू नहीं होता है तो इस केस में डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा 1.5 होगा तो इसका जो डायपोल मूवमेंट है दैट इज मोर देन दिस क्यों इससे ज्यादा डायपोल है बिकॉज यहां पर सबके सब जो डायपोल है वो क्या जा रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एट दैट केस यू हैव टू ड्रॉ वर्ड स्ट्रक्चर ओके अब एक मैंने यहां पे बताया कि सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल के बीच में एग्जाम्पल वो होते हैं जिनके सेव सी एल सी एल ग्रुप है एच है H है, H है यहाँ पे सी एल आ गया सी एल आ गया ये आ गया क्योंकि सेम साइड में सेम ग्रुप है दिस इज योर व्हाट दिस इज योर ट्रांस क्योंकि सेम ग्रुप कहाँ है ऑपोजिट डायरेक्शन में अब डायपोल देखो इधर क्रिएट होगा डाइपोल देखो इधर क्रिएट होगा तो डायपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में है ऑपोजिट में है तो क्या हो जाएगा जीरो कंपाउंड क्या हो जाएगा नॉन पोलर इधर क्या है कहीं ना कहीं डायपोल क्या है एक की तरफ को जा रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं ना हमारे पास तो डायपोल इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो एंड द कंपाउंड इज गोइंग टू बी योर पोलर ठीक है ओके लास्ट हमने बोला ऑर्थो पैरा एंड मेटा तो बेंजीन को ड्रॉ करें तो बेंजीन की ये वाली पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं दिस तीनों वी गया यहाँ ये कौन सी पोजीशन है पैरा फिर वी हैव इज योर वर्ड ऑर्थो पे ले लेते हैं वी हैव योर सी एल ये बेस यूनिट है फिर एक सीएल लगा दिया ऑर्थो पे अब एक सी एल लगा दिया हमने बेटा वर्ड मेटा तो दिस इज योर ऑर्थो दिस इज योर मेटा अब देखो यहां पे क्या होगा आपके पास हमें इसमें डाइपोल क्रिएट करना है देखो यहां पे क्लियरली डाइपोल कहा जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो डाइपोल मूवमेंट किसकी इक्वल हो जाएगा इक्वल टू तो जीरो जीरो मतलब नॉन पोलर इधर डाइपोल मूवमेंट कहीं ना कहीं एडअप हो रहा है तो डाइपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन जीरो सेम तरह से यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो तो सबसे ज्यादा डायपोल ऑर्थो में होगा फिर मैटा में, में होगा फिर हमारे पास पैरा में होगा ठीक है ओके okay, तो ये था हमारे पास डायपोल मोमेंट तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इसके एप्लीकेशन एंड ऑल सो थैंक यू एंड गुड डे